ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनीतिक दलों में हटकर समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं को जोड़ने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान छेड़ने के मकसद से करनी सेना द्वारा बिलासपुर के भाषा एवं संस्कृति विभाग कार्यालय हॉल में पहला प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अंबू सहित महामंत्री उमेद सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस बैठक में जहां प्रदेश भर से करनी सेना के पदाधिकारियों ने भाग लिया, तो प्रदेश को नशा मुक्त बनाने और बिना नागरिकता के रहने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने पर भी चर्चा की गई। राजनीतिक दलों से अलग हटकर समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं को जोड़ने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान छेड़ने के मकसद से करनी सेवा द्वारा बिलासपुर के भाषा एवं संस्कृति विभाग कार्यालय हॉल में पहली प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें करनी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू सहित महामंत्री उमेद सिंह मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में जहां प्रदेश भर से करनी सेवा के पदाधिकारियों ने भाग लिया, तो साथ ही प्रदेश को नशा मुक्त बनाने और बिना नागरिकता के रहने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर चर्चा की गई। इस बात की जानकारी देते हुए करनी सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने बताया कि प्रदेश में जहां नशा का काला कारोबार लगातार फल फूल रहा है, तो वहीं करनी सेवा इस नशे के खिलाफ अभियान चलाकर नशा माफियाओं की धरपकड़ करने का काम करेगी। साथ ही प्रदेश में बिना नागरिकता के रहने वाले लोगों की लिस्ट तैयार कर उनके खिलाफ भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। हिमाचल के अंदर जो नशा खोरी, जो नशा का कारोबार लगातार चल रहा है, उसको प्रदेश की सरकार कैसे समाप्त करे, ये सरकारों की जिम्मेवारी होती है। परंतु सरकार के सहयोग के लिए करनी सेना ने निर्णय किया है कि हिमाचल को नशा मुक्त बनाने के लिए हम लोग सड़कों पर आना पड़ा सड़कों पर आएंगे, पत्रकार साथियों का सहयोग लेकर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया और आजकल ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स आप लोग भी करते हैं, हमने अपने करनी सैनिकों को कहा है कि अगर आपको जहां लगे कि यहां पर नशे का कारोबार हो रहा है, तो वहां पर वीडियो फिल्म बनाओ,